हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के बेस्ट क्वेश्चनों का डेली बेसिस में प्रैक्टिस करा रही हूं, जिसमें से आज भी मैं लेके आई हूं बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज, जो यूथ कंपटीशन के चैप्टर वाइज MCQs का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर सारे शिक्षा का इतिहास एवं खेल संस्थाएं हो चुका है। सेकेंड चैप्टर है खेल समाजशास्त्री आधार, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, डेली बेसिस मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस में से मेन परफेक्ट एंड डेडिकेशन के साथ डेली बेसिस पे लगातार मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन हाई होता जा रहा है। एंड दोस्तों, किसी भी कंपटीशन एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे UPTGT PGT हो, UPLT GRATE हो, MP TET हो, MP SUPER TET मेन एग्जाम 1, 2, 3 हो, चाहे बिहार यस टेट हो, चाहे बिहार का BPSC हो, सारी शिक्षा से रिलेटेड, चाहे अदर स्टेट का TGT PGT हो, KVS NVS UGC NET हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम फिजिकल एजुकेशन के लिए मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज हैं। थ्योरी सेशन डिटेल में चैप्टर वाइज है एंड चैप्टर वाइज MCQ प्रैक्टिस कराया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड 100 से ज़्यादा वीडियोज, बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज प्रैक्टिस कराया गया है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखिए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। खेल समाजशास्त्र यानी कि स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, आपको मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ। सूची 1 में है सामाजिक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, शरीर क्रियात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, और दूसरे सूची में है कौशल अर्जन, टीम में एकजुटता, उत्तेजना और प्रदर्शन, सामाजिक शिक्षा। तो चलिए मिलाते हैं सामाजिक मनोविज्ञान। समाज में क्या होता है? टीम होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए का टीम में एकजुटता, क्या हो जाएगा? टीम में एकजुटता। एंड बी है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, यानी कि जिसमें बुद्धि, हमारी सोच का प्रयोग हो, तो वो होता है किसी भी कौशल या स्किल के सीखने में हमारी बुद्धि की जरूरत पड़ती है, संज्ञान की, इसलिए कौशल अर्जन आपका राइट हो जाएगा। एंड सी है शरीर क्रियात्मक मनोविज्ञान। शरीर क्रियात्मक क्या हो जाता है? हमारे शरीर में जो आंतरिक अंगों में जो रक्त है एंड पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सभी चीज़ें कैसे कार्य करती हैं, हमारे अंग कैसे कार्य करते हैं आंतरिक, तो वो सभी उत्तेजना एवं प्रदर्शन आपका शरीर क्रियात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। एंड दोस्तों, विकासात्मक मनोविज्ञान जो आपका सामाजिक शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए मिलाया गया है राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि राष्ट्रीय खेल कूद प्रतिभा खोज योजना में परिवर्णी शब्द PESAT किसके लिए आता है? तो दोस्तों, यह आता है पी से फिजिकल, ई से इफिशियंसी, एस से स्पोर्ट्स, ए से एटीट्यूड एंड टी से टेस्ट, यानी फिजिकल इफिशियंसी स्पोर्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे कि यहाँ पे आपका डिटेल में दिया गया है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार हेतु अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में सलाहकार निकाय कौन सा है? दोस्तों, कई बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन, आप करेक्ट आंसर अवश्य टिक कर दिए होंगे, तो वो है आपका NCTE, जैसे कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि भारत की शिक्षा प्रणालियों का मानक व उसके कार्य को नियंत्रित करने के लिए NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का गठन 17 अगस्त 1995 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एक्ट 1993 के अंतर्गत किया गया। पहले 1973 में NCTE की भूमिका अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी विषयों पर केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में थी। NCTE का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित
व समन्वित विकास करना। अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मापदंडों और मानकों का विनियम तथा उन्हें सामान्य रूप से बनाए रखना है इसका कार्य। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सामाजिक सुविधा सिद्धांत किसके द्वारा बनाया गया? तो सामाजिक सुविधा सिद्धांत नॉर्मन ट्रिपलेट के द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के खेल विभाग ने भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रस्ताव कब सर्वसम्मति से पास किया था? दोस्तों तो आप सबको पता है, ये बार बार रिपीट हुआ है, 25 जनवरी 1984 को इसकी स्थापना हुआ था, 25 जनवरी 1984 को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खेलों में पुनर्वास का उपयोग किया जाता है। पुनर्वास यानी कि पुनः पहले वाले स्थिति में आना। पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में तीन क्रियाएं होती हैं। एक आपका होता है करेक्टिव एक्सरसाइज यानी सुधारात्मक व्यायाम, शारीरिक चिकित्सा विधि और मनोवैज्ञानिक उत्साह दिया जाता है। तो यहाँ पे तीन में से एक ऑप्शन दिया गया है सुधारात्मक व्यायाम, इसको ध्यान रखिएगा। रिहैबिलिटेशन प्रोसेस यानी पुनर्वास के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। एंड फिजियोथेरेपी में कौन कौन से आते हैं, जल चिकित्सा, विद्युत चिकित्सा, बर्फ चिकित्सा, इन सभी के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सुधारात्मक व्यायाम, जिसे हम पुनर्वास कहते हैं, ठीक है, जिसे चरणबद्ध तरीके से कराकर चोट वाले अंग या स्थान को सामान्य अवस्था में लाया जाता है पहले वाले अवस्था में, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र का वह पड़ाव है जो बाहुबल से संबंधित क्रियाकलापों से सरोकार रखता है। तो जहाँ पे हम बताए हैं बार बार की ट्रिक से आप याद करिए परिभाषा को, जो मैंने शायद शिक्षा का अर्थ और परिभाषा वाले वीडियो में इतनी डिटेल में बताया है और इतनी ट्रिक से बताया है कि एक बार उस वीडियो को देखिए और कभी आपको परिभाषा नहीं भूलेगा। तो मैंने हमेशा बताया कि यहाँ सारे शिक्षा का संपूर्ण क्षेत्र की बात आए तो वहाँ की परिभाषा हमेशा रहेगी जेबी नैस की। परिभाषा किसका है? जेबी नैस का है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन यूनानी किसको मापने में विशेषज्ञ थे? तो जानते हैं दोस्तों शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल पहले एथेंस काल में कहा जाता था। तो प्राचीन यूनानी किसको मापने में विशेषज्ञ थे? तो शारीरिक अनुपात को। किसको? शारीरिक अनुपात को मापने में विशेषज्ञ थे। जैसे कि दोस्तों प्राचीन यूनानी शारीरिक अनुपात को मापने में विशेषज्ञ थे। कैनन, एक कैनन शब्द होता था वहाँ पे यूनान में, कैनन शब्द एक मापने वाली छड़ी या मानक का इस्तेमाल पहली बार शास्त्रीय ग्रीस में किया गया, जहाँ यह शरीर के अनुपात के लिए एक संदर्भ मानक निर्धारित करता है ताकि एक सामंजस्यपूर्ण रूप से गठित आकृति का उत्पादन किया जा सके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मिलाना है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, सूची वन को सूची टू के साथ मिलाना है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है प्रतिवर्त संचलन। प्रतिवर्त मतलब जो हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, रिफ्लेक्स एक्शन होती है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से संचालित होती है, जैसे कि प्रतिवर्त संचलन। ये किस में हो जाएगा? चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। तो आपका हो जाएगा किसी उद्दीपन, ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये का प्रतिवर्त मतलब प्रतिवर्ती क्रिया, किसी उद्दीपन को, किसी चीज़ को देखकर, जैसे कि आप सांप देखकर, जो ही आप अपने सामने सांप देखते हैं, एकाएक आपका पैर और एक कदम आगे जाता है फिर पीछे जाता है, ये आपका प्रतिवर्ती क्रिया है। यानी किसी उद्दीपन के प्रत्युत्तर में बिना सोचे समझे किया गया कार्य। आपको समय ही नहीं मिलता कि हाँ आपने सोचना समझना है। आपका हाथ अगर आग पे पड़ता है तो आपका दिमाग सोचता नहीं है कि इसको हटाना है, क्या करना है। ये शरीर स्वयं प्रतिक्रिया करती है, यानी कि आग पे हाथ पड़ते ही आग पे हाथ तुरंत हट जाता है, यानी कि दिमाग उस समय नहीं सोचता है। ये शरीर की जो रिफ्लेक्स प्रतिक्रिया है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो नियंत्रित करती है। इसे प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? स्पाइनल कॉर्ड। बी है मूल आधारभूत संचलन। जहाँ पे मूल शब्द आ जाए दोस्तों, वो हमारे अंतर्निहित जो पैटर्न है,
जन्मजात चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे टू का वन हो जाएगा, यानी कि प्रतिवत संचलनों के संयोजनों पर आधारित अंतर्निहित संचलन पैटर्न। एंड ऑप्शन नंबर सी है कुशल संचलन। तो कुशल संचलन क्या हो सकता है कि एक जटिल, ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे राइट होगा, सी का टू, एक जटिल संचलन करने में प्रभाविकता की डिग्री को कुशल संचलन कहते हैं। एंड प्रात्यक्षिक कौशल, प्रात्यक्षिक कौशल क्या होता है कि इसका डी का फोर ही होगा, विविध विधियों से उद्दीपन की व्याख्या की डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल के प्रविकासवादी सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो प्रविकासवादी सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा सही है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, बी राइट है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी में एक और तीन, यानी कि स्पेंसर इस सिद्धांत का प्रमुख समर्थक है, किसके, प्रविकासवादी सिद्धांत के। एंड थ्री आपका प्रविकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि समाज आलेख यानी सोशियोग्राम निम्न में से क्या मापने का साधन है। तो दोस्तों क्या मापने का साधन है सोशियोग्राम, तो सोशियोग्राम जो है यह समूह में संबद्धता तथा आकर्षण मापने का, आकर्षण संबंधों की चित्रात्मक रूप से व्यक्त करने का एक साधन है। सोशियोग्राम में समूह के सदस्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति किए गए पसंदों को एक आलेख या सादे कागज पर चित्र बनाकर दिखाया जाता है। शोधकर्ता ऐसे प्रश्नों से आरंभ करता है जैसे आप किसके साथ कार्य करना सर्वाधिक पसंद करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैनन के सुसंगठन घटकों की अवधारणा मॉडल के सही अनुक्रम का चुनाव कीजिए। तो इसका सही अनुक्रम क्या है दोस्तों कैनन के, तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है कि पर्यावरणीय कारक, उसके बाद वैयक्तिक कारक, टीम कारक, नेतृत्वकारी कारक, यहाँ पे कैनन के सुसंगठन घटकों की अवधारणा मॉडल है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शिक्षक मध्यस्थता अनुदेशन प्रारूप में होता है। तो शिक्षक मध्यस्थता अनुदेशन प्रारूप में क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सी बी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पारस्परिक प्रारूप द्वारा शिक्षा देना, कार्य शिक्षा देना बी, एंड प्रश्नों के द्वारा शिक्षा देना ए, शिक्षक मध्यस्थता अनुदेशन प्रारूप में होता है। एंड दोस्तों जैसे कि शिक्षक मध्यस्थता अनुदेशन यानी टीचर मेडिएटेड इंस्ट्रक्शनल प्रारूप, निम्न में से कैसे, पारस्परिक प्रारूप द्वारा शिक्षा देना, कार्य शिक्षा देना, प्रश्न के द्वारा शिक्षा देना, यानी भावात्मक और व्यवहार संबंधी विकार वाले छात्र शिक्षण और व्यवहार दोनों आवश्यकताओं को प्रदर्शित कर सकते हैं, जो प्रभावी निर्देश प्रदान करने की शिक्षक की क्षमता को प्रभावित करते हैं। सरल शैक्षिक सामग्री, ज्ञान से परे प्रभावी शिक्षक, आधारित हस्तक्षेपों में निवारक और पूर्वानुमात्मक क्रियाएं शामिल किए गए हैं जो इन छात्रों द्वारा अक्सर विघटनकारी व्यवहारों का प्रबंधन करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शिक्षक अक्सर किस प्रकार के कार्य का प्रयोग निर्देशन के लिए करता है कि क्या और कैसे पढ़ाया जाए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है निदानिक किस विधि के द्वारा करता है, निदानिक विधि के द्वारा।
यानी शिक्षक अक्सर किस प्रकार के कार्य का प्रयोग निर्देशन के लिए करता है? तो निदानिक प्रकार का कार्य का प्रयोग करता है, जैसे कि विद्यार्थी को क्या, कैसे और कब पढ़ाया जाए, इसके लिए शिक्षक अक्सर निदानिक कार्यों या वीडियो का प्रयोग करके विद्यार्थियों का कुशल निर्देशन तथा मार्गदर्शन करते हैं। नैदानिक कार्यों के द्वारा शिक्षक बालकों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण और उचित अभ्यास, व्यक्तिक भेदों के आधार पर बालक की व्यक्तिगत त्रुटियों का निवारण, उपचार गृहों तथा अथवा भाषा प्रयोगशालाओं में बालकों के उच्चारण एवं भाषा संबंधी प्रशिक्षण और अभ्यास का प्रयास करता है। एंड नेक्स्ट को है दोस्तों कि शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया के निम्नलिखित अवयव होते हैं। तो शिक्षा का जो अध्यापन प्रक्रिया होती है, इसमें से चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा होता है दोस्तों? तो जैसा कि चारों ऑप्शन पढ़ के आप समझ गए होंगे, तो अध्यापन प्रक्रिया में, शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया में अध्यापन होता है और अधिगम होता है, अध्यापन होता है और अधिगम होता है। तो एक और चार ऑप्शन कहाँ पे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है आपका, राइट। ठीक है, एंड शिक्षा के अंग की बात करें तो शिक्षा के अंग के रूप में और अवयव पाए जाते हैं, जैसे कि शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठचर्या, शिक्षण तकनीक, मापन, मूल्यांकन, शिक्षार्थी पर्यावरण आदि शामिल होते हैं। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स बेस पे है। अभिकथन ये है कि जिस सीमा तक किसी कक्षा में सभी विद्यार्थियों की जरूरत को पूरा किया जाता है, उसे प्रायः गुणवत्तापूर्वक कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ पे ए तो है आपका थोड़ा गलत लग रहा है, यहाँ की सभी विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा किया जाता है, उसे प्रायः गुणवत्तापूर्वक कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे फिर तर्क आर है कि व्यक्तिकृत अनुदेशों और जवाबदेही की अवधारणा से सुसंगत मॉडल उपलब्धि आधारित पाठचर्या मॉडल होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कि ए आपका गलत है, किंतु आर जो है वो सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी इस मिलान करना है आपको, जो दर्शन शास्त्र है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि आदर्शवाद। आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद समझने के लिए केंद्र के रूप में मस्तिष्क संबंधित है। आदर्शवाद मतलब आइडियोलिज्म, आइडिया कहाँ से आते हैं? मस्तिष्क से आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थ्री आपका राइट हो जाएगा, यानी कि समझने के लिए केंद्र के रूप में मस्तिष्क से संबंधित है आदर्शवाद। यथार्थवाद मतलब जो वास्तविक चीजों, वास्तविक जो जैसा है वास्तविक है उसी तरह उसको स्वीकार करना, यानी कि आपका हो जाएगा यथार्थवाद जिसके जनक हैं अरस्तु, आदर्शवाद के प्लेटो। तो इसमें यथार्थ मतलब वास्तविक, यानी वास्तविक भौतिक विश्व की अवधारणा से संबंधित है। अब व्यवहारिकतावाद जिसे प्रैग्मेटिक में, प्रयोगवाद, व्यवहारवाद, ड्यूएज में आदि नामों से जाना जाता है, जिसके प्रवर्तक हैं जॉन डीवी। यानी कि ये कहते हैं कि अनुभव ही सफलता की कुंजी है। ये बात प्रयोगवाद यानी व्यवहारवाद का कहना है कि अनुभव ही सफलता की कुंजी है, यानी कि यहाँ पे दिया है कि व्यक्ति के अनुभवों पर आधारित सत्य से संबंधित है व्यवहारिकतावाद। एंड दी है अस्तित्ववाद, यानी ये मनुष्य की बात करता है, मनुष्य के स्व अस्तित्व, अपने अस्तित्व की अवधारणा से संबंधित है अस्तित्ववाद। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है, जैसे कि यहाँ पे सही मिलान आपका किया हुआ है। और देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ये है कि दर्शन जांच संबंधी एक क्षेत्र है। दर्शन क्या है? जांच संबंधी एक क्षेत्र है, बात सही है। दर्शन का मतलब होता है देखना, दर्शन शास्त्र मतलब देखना। क्या देखना? कोई चीज क्या, क्यों, कैसे घटित होती है, क्यों है, इस क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना ही आपका दर्शन शास्त्र कहलाता है। यानी दर्शन जांच संबंधी एक क्षेत्र है जो व्यक्तियों को ब्रह्मांड के साथ उनके संबंधों का एक संतोषजनक
और सार्थक ढंग से मूल्यांकन में सहायता करता है। एंड ये बात राइट है। एंड तर्क आर क्या है कि किसी व्यक्ति का दर्शन उसके कार्यक्रमों के उद्देश्य या परिणामों और उन विधियों को प्रभावित करता है जिनके द्वारा तीन उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन तो दोनों आपका ए और आर दोनों राइट हैं, बट आपका जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता पिता से जीवन मूल्यों और सद्व्यवहार के मानकों के अधिगम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप क्वेश्चन पढ़ते ही सही आंसर टिक कर दिए होंगे, तो इसको कहते हैं प्राथमिक समाजीकरण। ठीक है, समाजीकरण की प्रथम इकाई होता है हमारा परिवार। एंड माता पिता से जीवन मूल्यों और सद्व्यवहार के बारे में मानकों के जो सीखा जाता है वो प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रण का बिंदु पथ उस सीमा को वर्णित करता है जिसमें हमारा मानना है कि हम अपने जीवन के नियंत्रण में हैं। यह परिभाषा किसका है दोस्तों? यह बात कहा है जूलियन बी रोटर ने। किसने कहा है? जूलियन बी रोटर ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संगठन के प्रकार को ध्यान दिए बिना इसका सदैव कार्य क्या होता है? इसका सदैव कार्य होता है सामाजिक उद्देश्य। क्या होता है? सामाजिक उद्देश्य। यानी किसी भी संगठन का प्रकार कैसा है इसको ध्यान दिए बिना उसका सदैव कार्य होता है कि हम सामाजिक उद्देश्य को कैसे पूरा करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि दोस्तों संगठन बात करते हैं संगठन की, तो संगठन के प्रकार को ध्यान दिए बिना इसका सदैव कार्य सामाजिक उद्देश्य है। सामाजिक उद्देश्य वैधानिक निर्माण की एक योजना है जो यह घोषणा करती है कि एक कानून को इस तरह से नहीं बनाया जाना चाहिए जो सामान्य सामाजिक मूल्यों या अच्छे का उल्लंघन हो। ऐसे मामलों के उदाहरण जिनमें निर्माण के इस नियम का उपयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन की सफलता की कुंजी मानता है? दोस्तों आप सही आंसर टिक कर दिए होंगे। तो कौन सा दर्शन है जो अनुभव को सफलता की कुंजी मानता है दोस्तों? तो अनुभव को सफलता की कुंजी कौन सा दर्शन मानता है? तो यह मानता है प्रयोगवाद यानी उपयोगवाद, जिसे प्राग्मेटिज्म में प्रयोगवाद, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद आदि नामों से जाना जाता है, जिसके प्रवर्तक जॉन डीवी हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षकों को छात्रों के अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में शिक्षा का कौन सा दर्शन परिभाषित करता है? तो इसका भी सही आंसर आपने दे दिया होगा कहीं, क्योंकि कई वीडियो में मैंने इसका प्रैक्टिस कराया हुआ है। तो एक आदर्श शिक्षक एंड सत्यम सिवम सुंदरम, ये जो सारी शिक्षा के आदर्श गुण आइडियलिज्म, ये सभी चीज़ें लिया गया आदर्शवाद से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्शवाद के जनक कौन है दोस्तों? प्लेटो। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसे किसमें शामिल किया गया है दोस्तों? तो इसे शामिल किया गया है यूनेस्को चार्टर, ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को चार्टर में। जैसा कि दोस्तों शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसे यूनेस्को चार्टर में शामिल किया गया है। यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन 1978 के 20वीं सत्र में अपनाया गया, उस समय मूल चार्टर को अभिनय के रूप में माना गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कारक कौन सा है जो शारीरिक शिक्षा में शिक्षक शिक्षण को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप में प्रभावित करता है? तो कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और आंसर अपने आप मिल जाएगा। कह क्या रहा है वह कौन सा है चारों ऑप्शन में कारक है जो शारीरिक शिक्षा में शिक्षक शिक्षण को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है? वह होता है पाठचर्या की गैर समानता। ठीक है, पाठचर्या की गैर समानता। तो वह कारक जो पाठचर्या की गैर समानता है, जो शारीरिक शिक्षा के शिक्षक शिक्षण को सबसे अधिक
प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। शारीरिक गतिविधि के प्रति दृष्टिकोण को बड़े पैमाने पर बचपन के दौरान विकसित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि स्कूल शारीरिक शिक्षा कक्षाओं में एक मजबूत प्रभाव हो सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नृविज्ञानियों द्वारा समाजीकरण शब्द के स्थान पर इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों एनकल्चरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। नृविज्ञानिकों द्वारा समाजीकरण शब्द के स्थान पर एनकल्चरेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। समाजशास्त्र में समाजीकरण समाज के मानदंडों और विचारधाराओं को आंतरिक बनाने की प्रक्रिया है। समाजीकरण सीखने और सिखाने दोनों को शामिल करता है और इस प्रकार वह साधन है जिसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक निरंतरता प्राप्त होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के सामाजिक संपर्क सिद्धांत की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो यह दिया गया है लुमने के द्वारा। किसके द्वारा? लुमने के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शकों द्वारा समर्थक एक है। तो दोस्तों जब आप कोई कार्यक्रम स्थापित कर रहे हैं या तो कोई खेल खेल रहे हैं या टूर्नामेंट हो रहा है, जो दर्शक है तालियां बजा रहे हैं, आपको उत्साह दे रहे हैं, तो वो किस में आएगा? तो वो सामाजिक प्रोत्साहन के रूप में आएगा। ठीक है, तो खेल के दौरान खिलाड़ियों को दर्शक दीर्घा से बैठे दर्शकों द्वारा समर्थन एक सामाजिक प्रोत्साहन है, जिसमें खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है, नई ऊर्जा का संचार करता है और खिलाड़ी अपना 100% रिजल्ट देने का प्रयास करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस माध्यम से हम मूल्य विश्वास और वर्तन अर्जित कर सकते हैं? तो किस माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों? सामाजिककरण के द्वारा। ठीक है, किस माध्यम से हम मूल्य विश्वास और वर्तन अर्जित कर सकते हैं? सामाजिककरण के द्वारा। सामाजिककरण के माध्यम से ही हम मूल्य विश्वास यानी कि बिलीफ सिस्टम एंड व्यवहार बिहेवियर अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि समाजीकरण यानी कि सोशियोलॉजेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के विभिन्न व्यवहार रीति रिवाज गतिविधियों को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री खेलों को मानते हैं। तो दोस्तों समाजशास्त्री जो है खेलों को क्या मानते हैं? समाजशास्त्री जो है खेलों को सामाजिक सांस्कृतिक घटक घटना मानते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक घटना मानते हैं। यह समाजशास्त्र अनुशासन को बनाए रखने में बहुत सहायक है तथा सांस्कृतिक रूप से भी एक दूसरे खिलाड़ियों का आपस में आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। 30 क्वेश्चंस आज के वीडियो में था स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी खेल समाजशास्त्र से रिलेटेड। एंड दोस्तों इसी तरह आप डेली बेसिस बने रहिए, डेली बेसिस प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। एंड कोई भी डाउट हो कमेंट में बताइए और चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।